एक ऊंची इमारत के खस्ताहाल गलियारों में डॉक्टर रॉबर्ट लैंग को एक आवारा कुत्ता मिलता है जो कचरे के बीच अकेला जीवित बचा है। भोजन की कमी के कारण रॉबर्ट ने जीविका के लिए कुत्ते के पैर को भूनना शुरू कर दिया। 3 महीने पहले की बात याद करें तो रॉबर्ट एक शानदार आलीशान ऊंची इमारत में चले गए थे जहां ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले निवासी आराम और सुविधा के जीवन का आनंद लेते हैं। ऊपरी मंजिलों की नियमित व्यवस्था तब बाधित हो जाती है जब एक कबूतर स्त्री रोग विशेषज्ञ पैंगबोन पर गिरता है, जिससे टैलबोट नामक मनोवैज्ञानिक को उपहास का सामना करना पड़ता है। कहानी एक अजीबोगरीब घटना से शुरू होती है जिसमें रॉबर्ट की पड़ोसी चार्लोट उसकी बालकनी पर शराब की बोतल गिरा देती है। इस आकस्मिक मुलाकात से उनके बीच एक चुलबुला रिश्ता शुरू हो जाता है। इस बीच वाइल्ड नाम का एक पात्र, जो अपने उद्दाम व्यवहार के लिए जाना जाता है, कहानी में अप्रत्याशितता की एक परत जोड़ता है। जैसे ही रॉबर्ट ऊंची इमारतों में रहने की विशिष्टताओं को उजागर करता है, फिल्म एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाती है जहां समृद्धि के बीच सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिगत रिश्ते सुलझते हैं। विलासितापूर्ण सुविधाओं और इमारत के अराजकता में तब्दील होने के बीच विरोधाभास सामने आने वाले नाटक के लिए एक सम्मोहक पृष्ठभूमि तैयार करता है। कूड़ेदान के साथ एक विचित्र मुठभेड़ के बाद डॉक्टर रॉबर्ट लैंग मेडिकल छात्रों को व्याख्यान देने के लिए फिजियोलॉजी स्कूल जाते हैं। एक उत्तेजक प्रदर्शन में वह एक मानव सिर को काट देता है, जिससे एक छात्र घृणा के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी चार्लोट की पार्टी की एक शाम में बदल जाती है, जहां तनाव बढ़ जाता है क्योंकि रॉबर्ट इमारत की सामाजिक जटिलताओं में उलझ जाता है। पार्टी में रॉबर्ट वाइल्डर की गर्भवती पत्नी हेलेन के साथ बातचीत करता है और एक पूर्व कूड़ेदान की घटना पर स्टील के गुस्से का निशाना बन जाता है। जब स्टील की पत्नी म्यूजिकास्टर कॉसग्रोव के साथ पाई जाती है तो माहौल असहज हो जाता है। नाटक प्रचुर मात्रा में शराब पीने के बीच शुरू होता है, जिसे चार्लोट का बेटा टोबी देखता है। अगले दिन रॉबर्ट काम के अवकाश के दौरान मध्य से निचली मंजिल के किराएदारों के लिए एक पूल पार्टी में चार्लोट के साथ शामिल होता है। सीमंस ने उसे गगनचुंबी इमारत के रहस्यमय वास्तुकार मिस्टर रॉयल से मिलवाया। पेंटहाउस में रॉबर्ट एंथनी रॉयल से मिलता है, जो पास की झील के आसपास इमारत के डिजाइन को दोहराने की योजना साझा करता है। रॉयल के ब्लूप्रिंट की जांच करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट लिंग एक मानसिक घटना के समानांतर चित्रण करते हैं। रॉयल एक कार दुर्घटना पर चर्चा करता है, रॉबर्ट को स्क्वैश गेम के लिए आमंत्रित करता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंध की ओर इशारा करता है। यह निमंत्रण रॉयल की पत्नी एन द्वारा आयोजित एक पार्टी तक फैला हुआ है, जो रॉबर्ट को उच्च वृद्धि वाले कुलीन वर्ग के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। जैसे ही रॉबर्ट इमारत के भीतर सामाजिक पेचीदगियों को देखता है, वो डाइनिंग हॉल में एक पेंटिंग देखता है और एन को एयर कंडीशनिंग की समस्या से निपटने में मदद करने का प्रयास करता है, जिससे अनजाने में और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चार्लोट के साथ उनकी बातचीत तेज हो गई, जिससे उनकी बालकनी पर एक अंतरंग मुलाकात हुई। भावुक क्षण के दौरान चार्लोट का बेटा टोबी उन पर ठोकर खाता है, जिससे उनके पहले से ही उलझे हुए मामले में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। चार्लोट ऊंची इमारत के भीतर अनपेक्षित सामाजिक पदानुक्रम में अंतर्दृष्टि प्रकट करते हुए इमारत के निवासियों के निजी जीवन के बारे में गहरी जागरूकता पर टिप्पणी करती है। कहानी में एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है जब अगले दिन रॉबर्ट का सामना बाजार में जेन से होता है। उसकी प्रसिद्धि से अनजान वो अनजाने में उसे अपमानित करता है, जिससे एक चेकआउट कैशियर उसे एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में जेन की स्थिति के बारे में बताने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे ऊंची इमारत साजिश के साथ धड़कने में लगी रहती है, बाजार में रोशनी की अप्रत्याशित झिलमिलाहट उलझी हुई घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए मंच तैयार करती है। डॉक्टर रॉबर्ट लैंग ने खुद को अनजाने में एन रॉयल द्वारा आयोजित 18वीं सदी की एक असाधारण पोशाक पार्टी में आमंत्रित पाया। सोरी सामाजिक गतिशीलता का एक गठजोड़ बन जाता है और अपने निवासियों को अलग अलग श्रेणियों में डालने की इमारत की अंतर्निहित प्रवृत्ति को प्रकट करता है। अलंकृत वेशभूषा और भव्यता के बीच पैंगबोन सामाजिक बारीकियों पर गहरी नजर रखते हुए श्री रॉयल की आकाश को उपनिवेश बनाने की महत्वाकांक्षी आकांक्षा पर टिप्पणी करते हैं। गपशप में उलझे एन और जेन ने रॉबर्ट को अपनी बातचीत में शामिल कर लिया, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि मुनरो सहित मेहमानों ने उसका मजाक उड़ाया। सिमंस, जो हमेशा सतर्क रहने वाला ऑर्केस्ट्रेटर है, हस्तक्षेप करता है और रॉबर्ट को लिफ्ट में ले जाता है, एक ऐसी सेटिंग जो जल्द ही इमारत की अप्रत्याशित शक्ति गतिशीलता का प्रतीक बन जाती है। जैसे ही रॉबर्ट पार्टी के नतीजों और लिफ्ट में बिजली कटौती से जूझता है, उसे एंथनी रॉयल के साथ स्क्वैश के खेल में सांत्वना मिलती है। वास्तुकार ने इस घटना को इमारत के बसने के रूप में खारिज कर दिया, जिससे अंतर्निहित खामियों के विचार को बल मिला। बातचीत ऊंचे ऊंचे रिश्तों की ओर मुड़ जाती है, जिसमें रॉयल किराएदारों के वर्गीकरण को स्वीकार करता है और लग्जरी लिबास असली खुद को छुपाता है।
रॉबर्ट ने रॉयल द्वारा वर्गों के जानबूझकर पृथक्करण को परिवर्तन के साधन के रूप में उचित ठहराया। निचली मंजिल के किराएदार बिजली की समस्या के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन केयरटेकर उन पर ओवरलोडिंग का आरोप लगाकर दोष टाल देता है। वाइल्ड काउंट बेहतर परिस्थितियों के अपने अधिकार पर जोर देते हैं, लेकिन केयरटेकर वाइल्ड के अतिदेय भुगतान का खुलासा करता है। ब्रेक के दौरान रॉबर्ट रॉयल का ध्यान आकर्षित न करने की सलाह देते हैं, जिसे वाइल्ड खारिज कर देता है। वाइल्ड के बच्चे घर पर हैं, हेलेन कंपनी के लिए उनकी उपस्थिति को तर्कसंगत बना रही है और उन्हें समाचार पर एक परेशान जेल दंगे से बचा रही है। मेडिकल स्कूल में रॉबर्ट को मुनरो की दोषरहित स्वास्थ्य रिपोर्ट मिलती है, लेकिन वो उसे अहंकारी मानता है और निर्णय लेता है कि उसे सबक चाहिए। धोखे से रॉबर्ट मुनरो को एक नकली ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताता है, जिससे वो वश में हो जाता है। वाइल्ड इमारत की असमानता के विरोध में एक जोरदार बच्चों की पार्टी का आयोजन करता है। वाइल्ड का अनुमान है कि रॉबर्ट मध्यवर्गीय मंजिलों पर रणनीतिक रूप से निचले किराएदारों के साथ जुड़ता है। हेलेन अपने बच्चों को पूल से प्रतिबंधित किए जाने से निराश होकर वाइल्ड की नाराजगी को बढ़ा देती है। वह समस्याओं के प्रति उच्च वर्ग की नापसंदगी को नोट करती है, लेकिन वाइल्डर दृढ़तापूर्वक अपमान से इनकार करता है। निडरता से वो बच्चों को इकट्ठा करता है और पूल की ओर जाता है। हेलेन अपने पति के लगातार विरोध से परेशान होकर टोबी और रॉबर्ट के साथ रहती है। रॉबर्ट के परिवार के बारे में उत्सुक टोबी ने एक अफवाह का जिक्र किया कि वे सभी मर चुके हैं। रॉबर्ट ने खुलासा किया कि वो उस तरह का बेटा नहीं था जिस पर उसके पिता को गर्व हो, जिसके कारण टोबी ने ऊपरी मंजिल पर अपने जन्मदाता पिता के निवास के बारे में खुलासा किया। टोबी को घर ले जाने का निर्णय लेते हुए रॉबर्ट ने पाया कि लिफ्ट खराब है, जिससे उन्हें सीढ़ियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही उच्च वर्ग के किराएदार वाइल्डर के रूप में पूल के पास एकत्र होते हैं और बच्चे सभा को बाधित करते हैं। एक सीरी मुठभेड़ में रॉबर्ट सीमंस के साथ रास्ता पार करता है, जो अपमानजनक रूप से उसे एक सामाजिक पर्वतारोही का लेबल देता है। अचानक रॉयल के पेंटहाउस सहित पूरी इमारत में बिजली गुल हो जाती है। पराजित उच्च वर्ग के किराएदारों ने पूल छोड़ दिया, जिससे वाइल्डर के करियर को खतरा हो गया। मुनरो भटका हुआ अपने अपार्टमेंट में लौटने के लिए संघर्ष करता है और एक खराब लिफ्ट में उच्च वर्ग के किराएदारों का सामना करता है। इसे ठीक करने के नशे में वो नियंत्रणों पर जोर जोर से हमला करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टोबी को घर ले जाने के बाद बिजली बंद होने के कारण मची अफरा तफरी के बीच रॉबर्ट को पूल में एक डूबा हुआ कुत्ता मिला। निचली मंजिल के किराएदार अंधेरे में हॉलवे पार्टी शुरू करते हैं। वाइल्ड शामिल हो जाता है, एक शराबी महिला का सामना करता है, जिससे शारीरिक विवाद होता है। टैलबोट और चार्लोट हस्तक्षेप करने पर विचार करते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध निर्णय लेते हैं। रॉबर्ट लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है। वाइल्ड द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वह अनिच्छा से उत्सव में शामिल होता है। उनसे अनभिज्ञ नशे में धुत मुनरो बालकनी पर चढ़ने के बाद दुखद रूप से कूद कर मर जाता है। अगली सुबह चार्लोट मुनरो के भाग्य पर शोक मनाती है, जबकि रॉबर्ट काम के लिए तैयार हो जाता है। जब वो नल चालू करता है तो पानी नहीं बहता। चार्लोट ने सवाल किया कि रॉबर्ट ने सामान क्यों नहीं खोला, कोई जवाब नहीं मिला। वह किराएदारों द्वारा सीमाएं लांघने और बिगड़ती स्थितियों की आशंका के बारे में टैलबोट के सिद्धांत को साझा करती है। अचानक वाइल्ड रॉबर्ट के दरवाजे पर दस्तक देता है, मुनरो की अज्ञात मौत के बारे में एक वृत्तचित्र के लिए रॉयल का परिचय चाहता है। चिंतित रॉबर्ट वाइल्डर के चले जाने तक प्रतिक्रिया देने से बचता है। फिर वह चार्लोट को वाइल्डर से बचने की चेतावनी देता है, लेकिन वह सावधानी को खारिज कर देती है। डूबे हुए कुत्ते की घटना पर विचार करते हुए रॉबर्ट चिंतित हैं। इस बीच टोबी एक बहुरूप दर्शक के साथ प्रकट होता है और रॉबर्ट द्वारा चंचलतापूर्वक पूछे जाने पर भविष्य देखने का दावा करता है। निचली मंजिल के किराएदार अंधेरे में हॉलवे पार्टी शुरू करते हैं। वाइल्डर शामिल हो जाता है, एक शराबी महिला का सामना करता है, जिससे शारीरिक विवाद होता है। टैलबोट और चार्लोट हस्तक्षेप करने पर विचार करते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध निर्णय लेते हैं। रॉबर्ट लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है। वाइल्डर द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वह अनिच्छा से उत्सव में शामिल होता है। उनसे अनभिज्ञ नशे में धुत मुनरो बालकनी पर चढ़ने के बाद दुखद रूप से कूद कर मर जाता है। इमारत के दूसरे हिस्से में उच्च वर्ग के किराएदार गरीब लोगों के व्यवहार में कथित वृद्धि पर चर्चा करते हैं। पैंगबोन एक बेहतर पार्टी बनाने और आवश्यक संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं। पार्किंग स्थल पर रॉबर्ट का सामना उस स्थान से होता है जहां मुनरो उतरा था और युवक को धोखा देने के अपराध बोध से जूझता है। इसके साथ ही वाइल्डर अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी करता है, लेकिन हेलेन उसके अचानक चले जाने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है और ऊंची मंजिलों पर रहने वालों के प्रति अपनी ईर्ष्या स्वीकार करती है। उनकी वित्तीय जरूरतों के बारे में याद दिलाने के बावजूद वाइल्डर जाने से पहले टेबल से पैसे लेता है।
बाद में रॉबर्ट अपनी कार की असफल खोज करता है और अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। स्टील एक भरे हुए कूड़ेदान को खोलने का प्रयास करते हुए कूड़ेदान के अंदर बचे अवशेषों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो इमारत की बिगड़ती स्थिति की ओर इशारा करता है। घटनाओं के अचानक मोड़ में रॉयल का कुत्ता उसके पास से निकल गया, जिससे स्टील को गोल्फ क्लब के साथ उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया गया। निराश होकर एन जाने के बारे में सोचती है, लेकिन रॉयल उसे मना करता है और उसे थप्पड़ मारने पर उतारू हो जाता है। बेपरवाही से एन टिप्पणी करती है कि यह कई महीनों में पहली बार है जब उसने उसे छुआ है। लिफ्ट की आवाज से रॉयल का घायल कुत्ता दिखाई देता है। अगले कुछ दिनों में रॉबर्ट अपनी बिगड़ती स्थिति से जूझते हुए अपने कार्यालय में सोने का सहारा लेता है। वह खुद को नियमित व्यायाम में डुबा देता है, काम पर घंटों बिताता है और केवल कपड़े बदलने के लिए घर लौटता है। इस बीच इमारत के अन्य किराएदार तेजी से अनियंत्रित हो गए क्योंकि रखरखाव दल ने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कचरा बैग जमा हो गए। एक समय खूब स्टॉक से भरा रहने वाला सुपरमार्केट अब खत्म हो गया है। रॉबर्ट पेंट के लिए वहां जाता है, जबकि वाइल्डर बिगड़ती स्थितियों का दस्तावेजीकरण करता है। टेलबोट कैमरे पर वर्णन करता है कि कैसे किराएदारों ने अपनी सभ्यता छोड़ दी है और बर्बरता पर उतर आए हैं। पैंगबोन सीमेंस और कॉसग्रोव द्वारा अराजकता भड़काने का आरोप लगाते हुए वाइल्डर को टेलबोट फिल्मों के दौरान पीटा जाता है। निकलने का प्रयास करते हुए रॉबर्ट एक पेंट कैन को लेकर हाथापाई में उलझा हुआ है, अंततः विजयी हुआ। घर लौटकर वह बड़े चाव से अपने अपार्टमेंट की दीवारों पर पेंटिंग करता है। चार्लोट टोबी को टेलबोट के स्थान पर ले जाती है, लेकिन उसे लापता पाती है क्योंकि पैंगबोन ने उसे बंदी बना लिया है। अराजकता के बीच हेलेन अपने बच्चों को दूसरों के पास छोड़ देती है और रॉबर्ट से मिलने जाती है, जो गर्व से अपना नया चित्रित अपार्टमेंट दिखाता है। उनकी बातचीत अप्रत्याशित रूप से घनिष्ठ हो जाती है। पेंटहाउस में रॉयल घुसपैठियों से विचलित है। सीमंस ने उसे नीचे अपनी पत्नी के बारे में सूचित किया और पैंगबोन ने खतरे की चेतावनी दी। लॉबी में वाइल्डर का सामना रॉयल से होता है, जो अपनी पहचान से अनजान है। अज्ञानी वाइल्डर अपना परिचय देता है और एक सावधान शब्द प्रदान करता है। एक पुलिस अधिकारी पूछताछ करते हुए आता है, लेकिन रॉयल नियंत्रण का दिखावा करता है। बाद में रॉयल को पता चलता है कि उसकी पत्नी को निचली मंजिल के किराएदारों द्वारा मजबूर किया जा रहा है। वाइल्डर पेंटहाउस तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रॉयल्स की पूर्व नौकरानी से चाबी की मांग करता है, जो पिछले रिश्ते की ओर इशारा करते हुए चार्लोट को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। वह वाइल्डर को एक बंदूक सौंपती है और दावा करती है कि यह पेंटहाउस की चाबी है। बढ़ती अराजकता के बीच हेलेन रॉबर्ट के साथ चिपक जाती है, जिसे पता चलता है कि चार्लोट उसे इमारत की सबसे अच्छी सुविधा मानती है। स्टील ने भोजन के लिए हेलेन को उत्तोलन के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया, लेकिन रॉबर्ट ने सख्ती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे इमारत अव्यवस्था की ओर बढ़ती जाती है, रॉबर्ट उसके बारे में हेलेन की टिप्पणी पर विचार करता है। इस बीच हेलेन, जो अपने बच्चों के पास जा रही थी, को पकड़ लिया जाता है। वह निराशा में चिल्लाती है क्योंकि वाइल्डर चार्लोट के अपार्टमेंट में कहर बरपाता है। चार्लोट के आगमन पर वाइल्डर ने टोबी के जैविक पिता के बारे में अपने ज्ञान का खुलासा किया और उसके विरोध के बीच उसे टोबी के कमरे में खींच लिया। अगले दिन एक पस्त चार्लोट को वाइल्डर भोजन और शराब परोसने के लिए मजबूर किया जाता है। बालकनी पर आशा भरी निगाहें डाली जाती हैं और रॉबर्ट की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि रॉबर्ट अंदर है और उसे एक पत्र मिल रहा है। पेंटहाउस में ऊपरी मंजिल के किराएदार वाइल्डर के बेकाबू व्यवहार पर चर्चा करते हैं। सीमंस ने रॉबर्ट से वाइल्डर की पैरवी करने के अपने अनुरोध का खुलासा किया, लेकिन रॉबर्ट पहले मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर जोर देते हैं। पैंगबोन ने अपने साथियों से इस विचार का मनोरंजन करने का आग्रह किया। उन्हें विश्वास है कि वे रॉबर्ट को कठोर कार्रवाई करने के लिए मना सकते हैं। ये जानकर कि कॉसग्रोव को छोड़कर सभी ने अपनी नौकरियों से छुट्टी ले ली है, पैंगबोन संतुष्ट हैं और इमारत के भीतर सत्ता संघर्ष को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। वह पहले वाइल्डर को निशाना बनाने की वकालत करते हैं, जिससे निचली मंजिल के किराएदारों को एक दूसरे पर हमला करने का मौका मिलता है। अराजकता के बाद रॉयल अपने लाभ के लिए निचली मंजिलों को फिर से तैयार कर सकता है। निर्णय के अनुसार लोगों ने रात के खाने के लिए एन के घोड़े को काटने का फैसला किया, जिससे टकराव हुआ जहां एन ने रॉयल को थप्पड़ मार दिया। पूरे समय टेलबोट बंधा हुआ है और सामने आने वाले दृश्य को देख रहा है। खुद को साफ करने के बाद रॉबर्ट अराजक हॉलवे में घूमता है और किराएदारों से टकराकर स्टील की पत्नी के साथ कॉसग्रोव का एक समझौतापूर्ण वीडियो देख रहा है।
बदला लेने के लिए किराएदार घर जा रहे कॉसग्रोव पर घात लगाकर हमला करते हैं। चार्लोट के अपार्टमेंट में रॉबर्ट का सामना वाइल्डर से होता है, जिसे हेलेन को छोड़ने का पछतावा है और स्वीकार करता है कि वह उसके बिना खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। नोट्स लेते हुए रॉबर्ट सुनता है, क्योंकि वाइल्डर ऊंची इमारतों में रहने के लिए आवश्यक अद्वितीय व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है, जो रॉबर्ट जैसे आत्मनिहित व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक दबावों के प्रति उनकी प्रतिरक्षा के कारण वास्तविक खतरे के रूप में उजागर करता है। शांति से लौटने की झलक के साथ जेन और एन चार्लोट को ढूंढते हैं और उसके घावों पर ध्यान देते हैं। अन्य लोग पूल में कपड़े धोना शुरू कर देते हैं, जबकि रॉबर्ट चार्लोट के अपार्टमेंट की सफाई करता है। इस बीच हेलेन को रॉयल्स के पेंटहाउस को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। सफाई के बाद रॉबर्ट अपार्टमेंट छोड़ देता है, इस बात से अनजान कि टोबी छत में एक छेद से देख रहा है। सिमंस ने रॉबर्ट को घेर लिया और उसे बाहर फेंकने की धमकी दी, लेकिन रॉयल हस्तक्षेप करता है। बाद में हेलेन पेंटहाउस में बच्चे को जन्म देती है और रॉबर्ट रॉयल के साथ रात्रिभोज में शामिल होता है। इमारत की खराब स्थिति के बावजूद रॉयल ने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि यह किराएदारों को एक नए जीवन का अनुभव करने का मौका प्रदान करता है। वाइल्डर एक वेंट से निकलता है, रॉयल का सामना करता है और उस पर अराजकता और असमानता पैदा करने का आरोप लगाता है। हाथापाई शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वाइल्डर ने रॉयल को गोली मार दी। चार्लोट, कॉनर वाइल्डर सहित ऊपरी मंजिल की महिलाएं उस पर हमला कर रही हैं, जबकि टोबी अपने बहुरूप दर्शक के माध्यम से देख रहा है। अगले दिन रॉबर्ट और हेलेन सफाई में भाग लेते हैं, जबकि एन और अन्य महिलाएं हेलेन के बच्चे की देखभाल करती हैं। किराएदारों के गिरते मानसिक स्वास्थ्य को देखकर रॉबर्ट एक निजी प्रैक्टिस खोलने, अपनी चुनौतियों से जूझने और खुद को तीसरे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करने पर विचार करता है। रॉयल के कुत्ते का पैर पकाने के बाद वो चार्लोट के साथ फिर से जुड़ता है और दूसरी ऊंची इमारत के भाग्य पर विचार करता है। चार्लोट सवाल करती है कि वो किससे बात कर रहा था, और रॉबर्ट रहस्यमय तरीके से जवाब देता है, इमारत बाहर टोबी ने राज्य पूंजीवाद के तहत राजनीतिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति पर मार्गरेट थेचर की रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए एक रेडियो टावर बनाया है।